तो गाइज मैं अपनी लास्ट वीडियो पे ही आपको बता रहा था कि आज इवनिंग से ही तबाही शुरू होने वाली है। आज अभी इवनिंग से ही एडवांस बुकिंग वगैरह जो है ठीक तरीके से ओपन होने वाली है। एडवांस बुकिंग अभी तक ओपन नहीं हुआ है, इसलिए आप लोग निराश मत हो, हैरान मत हो, कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो उसकी बातों पर यकीन मत करो बोल करके। तो वो शुरू हो चुका है भाई साहब, अभी जगह जगह पे वीडियो देख रहे होंगे, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेला लगा हो पूरा एकदम से, आज ही फिल्म रिलीज हो रहा है जैसे, बिल्कुल वैसा लग रहा है। ओके, 4 दिन फिल्म रिलीज होने के लिए बाकी है, लेकिन आज एडवांस बुकिंग के लिए जिस तरह से भीड़ लगाए है ना, बहुत सारी अभी वीडियो वगैरह आप देख रहे होंगे सारे, मतलब इतना जबरदस्त, मतलब ऐसा लग रहा है कि आज ही फिल्म रिलीज हो रही है। तो 22 तारीख को क्या हाल होगा, किस तरह का भीड़ होगा, आप जरा सोचो। ओके, बहुत सारी न्यूज मैं लेकर के आया हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। किस तरह का कहर है, किस तरह का क्रेज है सलार मूवी का, अभी आपको मैं बताता हूँ। ओके, जैसे कि मैंने बताया पूरा एकदम से खतरनाक क्रेज बन चुका है, पूरा जैसे मेला लगा हुआ हो, जिस तरह से आज ही फिल्म रिलीज हो रहा है जैसे, बिल्कुल वैसा ही। तो 22 तारीख को याद करो कि उस दिन क्या होगा, थिएटर के सामने लोगों का भीड़ किस तरह का होने वाला है। ओके, तो गाइस हम बात करेंगे ये जो 1 AM शो, ठीक है ना, 1 AM शो जो 12:30 को, रात के 12:30 को जो पहला शो, जो फर्स्ट शो जो होने वाला था ना, वो 1 AM हो चुका है, 1 बजे से पहला शो शुरू होगा। और मैं आपको बता रहा था कि कुछ 10 लोकेशन में होगा बोल करके, लेकिन यहाँ पे वो बढ़ चुका है, 20 लोकेशन होगा, वो भी निजाम सिटी में भी होगा और कुछ डिस्ट्रिक्ट में भी होगा, निजाम करके कुछ डिस्ट्रिक्ट में भी होगा, निजाम सिटी में भी होगा। ओके, तो वो सारा चीज मिला करके मतलब कुछ 20 लोकेशन में 1 बजे से शो शुरू हो रही है, रात के 1 बजे भाई साहब, 1 AM को। सोच पा रहे हो ना कितना ठंड लगा है अभी इसी टाइम पे, मतलब होगा, और देख रहे हो क्रेज, वो भी एकदम से हाउसफुल जाएगा बोल करके वो एक्चुअली अलाउ हुआ है। ओके, अभी हम बात करते हैं प्रीमियर शो के बारे में। प्रीमियर शो भाई साहब रेकर्ड तोड़ दिया है, एकदम से खतरनाक टिकट सोल्ड आउट हो चुका है, जो कि 21,000 से ज्यादा तक का टिकट सोल्ड आउट हो चुका है ऑलरेडी, और वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो कि हाईएस्ट रिकॉर्ड था RRR का, जो कि यही कुछ 18,500 समथिंग टिकट सोल्ड आउट हुआ था, वो नंबर 1 हाईएस्ट रिकॉर्ड था इंडियन सिनेमा के हिसाब से। लेकिन अभी जो है सलार का 21,000 से ज्यादा तक का टिकट सोल्ड आउट हो चुका है, और 4 दिन पहले से ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, कमाल है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। ओके, अभी हम बात करते हैं बहुत ही कमाल की चीज, अब मैं आपको दिखा देता हूं। जो लोग चिल्ला रहे थे ना कि स्क्रीन नहीं मिलेगा, अभी कुछ शोज दिखने लगे है ना, मतलब डंकी का बहुत ज्यादा शोज दिखने लगा है और सलार का कम शो दिख रहा है, तो वो बात का फायदा उठा करके अभी बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे कि स्क्रीन नहीं मिलने वाला है, सलार को ये हुआ वो होगा बोल करके। मैं आपको बस यहाँ पे डायरेक्टली हेडलाइन दिखा देता हूँ, बॉलीवुड हंगामा की हेडलाइन आप पढ़ सकते हो। ओके, कि शुक्रवार के दिन के लिए डंकी की एडवांस बुकिंग को ये जो थिएटर वाले हैं ना, सिंगल स्क्रीन के जो मालिक लोग हैं, वो लोग मना कर दिए हैं, ठीक है, डंकी की एडवांस बुकिंग को ये लोग मना कर दिए हैं। ओके, पूरा का पूरा मना नहीं किया है, मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ यहाँ पे। मैं जैसे आपको बता रहा था विजय किरेगांदूर साहब के जो अपडेट आया था, उनकी जो इंटरव्यू के तहत मैं आपको बता रहा था कि 50-50 होने वाला है, कुछ इस तरह का हुआ है। ओके, तो अनिल तरानी उसमें एकदम से तैयार है कि 50-50 करेंगे, है ना, अगर 400 लगते हैं तो 200 ऐसे करके 50-50 किया जाएगा, तो इस बात पे वो एकदम से राजी थे। लेकिन ये जो पैन मधुरकर है ना, वो एक्चुअली इस बात पे राजी नहीं था, वो कह रहा था कि पूरा का पूरा दिन डंकी को मिलनी चाहिए, तो वो बात पे सिंगल स्क्रीन वाले एकदम से मना कर दे। क्योंकि अभी देखो ये जो सलार मूवी आ रही है ना, कोई साउथ फिल्म ऐसा नहीं है कि मतलब कोई साउथ फिल्म ऐसी ही मतलब डॉफ होकर के आ रही है जिसके ऊपर लोगों का उतना इंटरेस्ट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, है ना। ये जो सलार मूवी आ रही है पैन इंडिया मूवी है, प्रभास की फिल्म है, प्रशांत नील डायरेक्टेड फिल्म है, KGF के मेकर्स के द्वारा फिल्म बनी हुई फिल्म है, और बाहुबली का हीरो प्रभास ये फिल्म लेकर के आ रहा है, मतलब लोगों का चाहिदा बहुत ज्यादा है, लोगों का चाहिदा है। तो यहां पे यार बॉलीवुड टॉलीवुड कॉलीवुड मॉलीवुड ये सारा चीज नहीं चलने वाला है, वहां पे पैन इंडिया चलता है, और पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास ही है मेरे भाई, तो उसकी फिल्म को किसी भी एरिया में कोई रोक नहीं सकता। हाँ, किसी और का होता मतलब कोई पैन इंडिया सुपरस्टार नहीं होता, मतलब प्रभास की जगह पे कोई और होता, KGF के मेकर्स की जगह पे कोई और होता, आप समझ रहे हो ना, मैं किसी को यहां पे इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, इस बात को अच्छी तरह से समझ जाइएगा, मैं सलार मूवी की वैल्यू को बता रहा हूं कि KGF की मेकर्स द्वारा बनाई गई फिल्म है, प्रभास जो कि बाहुबली जैसा फिल्म बनाते हैं, मतलब वो पैन इंडिया सुपरस्टार है भाई साहब, उसके उनका परिचय देना शायद उनकी इंसल्ट हो जाएगा। ओके, तो प्रभास जैसी हीरो और KGF के मेकर्स, ये फिल्म आ रही है सलार मूवी, तो सलार मूवी का वैल्यू आप जानते हो, तो वो फिल्म को कोई कैसे रोक सकता है ना, कोई कौन से मतलब डिस्ट्रीब्यूटर लोग, कौन से थिएटर वाले रोक सकते हैं, और कौन से ऑडियंस है ऐसा जो वो फिल्म को नहीं देखना पसंद करेंगे, समझ रहे हो मेरी बात, तो कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जो 50-50 वाली बात हुआ था वो होगा, अगर वो नहीं होगा
तो डंकी का ही एडवांस बुकिंग को वो लोग बंद कर देंगे। वो लोग फ्राइडे को डंकी मूवी का ही एडवांस बुकिंग को वो लोग रिफ्यूज कर देंगे। आप हेडलाइन देख सकते हो, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये अपने मन से बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये बॉलीवुड हंगामा की तरफ से आया है आर्टिकल, आप जाकर के पढ़ सकते हो एक घंटे पहले से। ओके, तो इस तरह का हाल है भाई साहब। तो आप लोग चिंता मत करो, एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हुआ था, अभी ओपन होने लगा है। जहां पे अभी अपडेट हमें मिल चुका है कि निजाम में बुक माई शो पे निजाम के लिए, मतलब वहां पे जो अभी जो ऑफलाइन एडवांस बुकिंग चल रहा है, ऑनलाइन एडवांस बुकिंग चलेगा यही कुछ 8:24 AM को। ओके, अभी कुछ टाइम के बाद अभी एडवांस बुकिंग जो है बुक माई शो पे चल जाएगा। मतलब हर जगह पे एडवांस बुकिंग जो है धीरे धीरे ओपन हो रही है। इन लोगों का जो प्लानिंग है उसी हिसाब से ये लोग जा रहे हैं। और आप लोग बिल्कुल भी किसी की बात को यकीन कर करके, मतलब आप लोग उदास मत रहिएगा कि स्क्रीन नहीं मिलने वाला है, सोच नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं भाई साहब। सलार मूवी जो है मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी है। ओके, सब लोग इंतजार करके बैठे हैं, और जहां पे ऑडियंस किसी फिल्म का इंतजार करते हैं ना, तो वो फिल्म को आने के लिए कोई रोक नहीं सकता, है ना। मतलब सलार मूवी के मेकर्स जबरदस्ती फिल्म को लेकर के नहीं आ रहे हैं कि हमारे फिल्म को लगाओ। भाई साहब, ऑडियंस उनकी फिल्म को इंतजार करके रखे, क्या आप नहीं हो क्या? तो सलार मूवी जो है ऑडियंस की चाहिदा है। तो ऑडियंस की जहां पे बात आ जाती है ना, पब्लिक की जहां पे बात आ जाती है, कोई रोक नहीं सकता वो फिल्म को। ओके, इसलिए तो इस तरह का देखने को मिला भाई, है ना। अगर इस तरह का आप डिमांड करोगे तो आपकी फिल्म का एडवांस बुकिंग हम बंद कर देंगे फ्राइडे को, लेकिन उसका एडवांस बुकिंग जरूर ओपन होगा और वो फिल्म जरूर चलेगी। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।